एनाटॉमिकल टर्म्स इन रिलेशन टू दी ट्रंक. तो ये हमारी ट्रंक है. इस ट्रंक के रिलेशन में हम जो एनाटॉमिकल टर्म्स यूज करते हैं वो है वेंट्रल और एंटीरियर. इट मीन्स फ्रंट ऑफ द ट्रंक. अब इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट में मैंने यहाँ ऐसे शो किया है. दिस इज वेंट्रल और एंटीरियर, यानी ये वाला जो पोर्शन है, यानी जो फ्रंट ऑफ ट्रंक है, इसको हम वेंट्रल एरिया बोलते हैं या एंटीरियर बोलते हैं. सेम ऐसे ही अगर बैक ऑफ ट्रंक है, ये बैक ऑफ ट्रंक है, तो उसको हम डॉर्सल बोलेंगे या पोस्टीरियर बोलेंगे, दैट इज बैक ऑफ ट्रंक. इसको हमने ऐसे यहाँ पे शो किया डायग्राम में. तो ये बैक साइड के दिखा रहा है, दैट बैक में डॉर्सल और पोस्टीरियर वर्ड यूज होता है. उसके बाद आता है मीडियल एंड लैटरल टर्म्स. तो ये हमारा है मीडियन प्लेन, दिस वन. मीडियन प्लेन के क्लोज जो भी चीज़ है, जो भी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर को, तो वो हमारी आती है मीडियल. और प्लेन अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन इज द लैटरल. तो मीडियल, ये साइड मीडियल हो गया. अगर आउट अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन है तो वो लैटरल हो गया. जैसे हम यहाँ पे भी शो कर सकते हैं हैंड में भी, ये मीडियल है क्योंकि ये मीडियन प्लेन के पास है. दिस इज मीडियल एंड दिस इज लैटरल, बिकॉज ये मीडियन जो प्लेन है इससे दूर है, अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन. ऐसे ही ट्रंक में भी जो इसके पास की स्ट्रक्चर है उसको हम मीडियल बोलेंगे, और जो इससे दूर की स्ट्रक्चर है उनको हम लैटरल बोलेंगे. तो यहाँ पे नंबर 3 इज मीडियल एंड लैटरल, आप ऐसे शो कर सकते हो इन द डायग्राम. ऐसे ही जैसे हैंड है, इसको लैटरल बॉर्डर इधर आ जाएगा और मीडियल बॉर्डर ये हो जाएगा. और अगर आप आगे नीचे पैरों में बात करेंगे तो ये मीडियल बॉर्डर हो गया और यहाँ पर हो गया है ये लैटरल बॉर्डर. ओके, अब आता है सुपीरियर, प्रॉक्सिमल और क्रैनियल. क्रैनियल किसको बोलते हैं हम? खोपड़ी को बोलते हैं. तो जो क्रैनियल के पास है यानी वो प्रॉक्सिमल है और क्रैनियल है. प्रॉक्सिमल माने कैसे याद रखते, ऐसे याद रखते पी फॉर पास, मतलब जस्ट फॉर रिमेंबर. प्रॉक्सिमल और क्रैनियल और सुपीरियर. सुपीरियर ऊपर होता है, सुपीरियर इन्फीरियर को नीचे वाले को बोलते हैं, तो इन्फीरियर नीचे हो गया. तो सुपीरियर, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल माने पास होगा, मतलब क्रैनियल के पास ऊपर है, और क्रैनियल इसका नाम है. यह है क्लोज टू हेड एंड ऑफ ट्रंक. तो हेड एंड ऑफ ट्रंक में जो भी के पास है वो हम सुपीरियर कहते हैं. इन्फीरियर, डिस्टल, प्रॉक्सिमल के अपोजिट हो गया डिस्टल, और कॉडल. कॉडल जो है, मतलब एक्चुअली पूंछ को कॉडल बोलते हैं वर्ड को, लेकिन ह्यूमन में तो हम जो है जो पैरों के पास है उसको हम बोलते हैं कॉडल, या फिर इट इज क्लोज टू द लोअर एंड ऑफ ट्रंक. फाइन. तो यहां पर अगर आप डायग्राम में देखोगे तो हमारा आता है सुपीरियर इज दिस वन. ये ऊपर की तरफ वाले जितनी भी स्ट्रक्चर्स होंगे उनको हम सुपीरियर बोलेंगे, और इन्फीरियर जो भी टूवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ ह्यूमन बॉडी होगा वो आपका इन्फीरियर कहलाएगा. ठीक है. उसके बाद आता है इप्सीलैटरल एंड कंट्रालैटरल वर्ड. इप्सीलैटरल का मतलब होता है सेम साइड. कंट्रा, कंट्रा मतलब अपोजिट साइड होता है. तो अगर कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर के पार्ट जो है सेम साइड का है तो उसको हम इप्सीलैटरल बोलते हैं. जैसे यही वाला राइट हैंड और राइट लेग, ये कौन से हो गए? इप्सीलैटरल हो गए. राइट हैंड, लेफ्ट लेग, एक कंट्रालैटरल स्ट्रक्चर होगी क्योंकि दोनों अपोजिट साइड की स्ट्रक्चर है. जैसे हमने इस डायग्राम में यहाँ पे शो किया है, इप्सीलैटरल मतलब सेम साइड और कंट्रालैटरल मतलब एक साइड का हैंड एक साइड का लेग, इस तरीके से. अब जब ये इसका इंपॉर्टेंस वर्ड आता है जहाँ पे लीजन आप पढ़ते हो, जो ट्रैक्स के लीजन होते हैं, जैसे असेंडिंग ट्रैक्स हैं उनके जो लीजन्स होते हैं, वो कुछ में तो कंट्रालैटरल साइड इफेक्ट होती है, यानी कि एक साइड का जहाँ पे लीजन हुआ है, सपोज राइट साइड में लीजन हुआ है तो लेफ्ट साइड के एरियाज अफेक्टेड हो रहे हैं, तो उसे कहते हैं कंट्रालैटरल इफेक्टेड हो रहा है. कहीं कहीं ऐसे ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे लीजन होता है, तो सेम साइड जहाँ पे ट्रैक में लीजन है उसी साइड का जो बॉडी पार्ट है वो अफेक्टेड हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इप्सीलैटरल. ये आप हमारी फिजियोलॉजी की, नर्वस सिस्टम की वीडियोज में ट्रैक्स को पढ़ सकते हो. इनका लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगी. उसके बाद आता है हमारा सुपरफिशियल एंड डीप वर्ड आता है. तो सुपरफिशियल वो होते हैं जो हमारे स्किन या फिर सरफेस के पास जो चीज़ होती है वो सुपरफिशियल है. जो सरफेस से दूर होती है वो डीप होती है. जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज करो ये हमारी स्किन है, जैसे मैं ऐसे बना रही हूँ, ये स्किन है, तो इस स्किन के पास जो भी स्ट्रक्चर होगी उसको हम सुपरफिशियल बोलेंगे. जैसे हमारी कुछ वेन्स होती हैं जो स्किन के पास होती हैं उनको हम बोलते हैं सुपरफिशियल वेन्स, सुपरफिशियल वेन्स.
और कुछ ऐसी होती हैं जो थोड़ा अंदर होती हैं, मतलब स्किन से अंदर होती हैं, जो मसल्स है मसल्स के अलोंग होती हैं, उनको हम डीप वेन्स बोलते हैं। तो जो वेन होती हैं वो दोनों तरह की हो सकती हैं, सुपरफिशियल वेन भी और डीप वेन हो सकती हैं। तो आप उसको समझ जाओगे कि स्किन के पास है तो सुपरफिशियल, स्किन से दूर है तो वो डीप हो गई, ठीक है। जो आर्टरीज होती हैं वो यूजुअली डीपर होती हैं, मसल्स के अंदर या मसल्स के पास होती हैं आर्टरी। तो जो वेन है वो दोनों में सुपरफिशियल और डीप, और आर्टरी जो होती है वो यूजुअली डीपर होती है। अब आर्टरी और वेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। जो वेन्स होती हैं, जस्ट हमें यहाँ बात कर रहे हैं तो हम याद ही कर लेते हैं कि वेन्स जो होती हैं उनकी जो जो आपकी जो आउटर लाइनिंग होती है जो वो थिन होती है, और इसकी लूमेन जो है वो कंपैरेटिवली लार्जर है एज कंपेयर टू इट्स कवरिंग, ठीक है। जबकि अगर आप आर्टरी की बात करोगे तो आर्टरी जो है उसकी वॉल कंपैरेटिवली थिकर होती है। ये जो वॉल है ना ये थिकर है, मोटी है, और इसकी जो लूमन है एज कंपेयर टू इट्स वॉल ये स्मॉलर होती है। ये आर्टरी है, हमने रेड से बना दी, ठीक है। तो आर्टरी और वेन में इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, वेन में वॉल्स होती हैं जो उसको अपोजिट साइड में जाने से रोकती हैं, और जो आर्टरी है वो मोटी क्यों है इसकी वॉल, क्योंकि आर्टरी को जो ब्लड पंप करना है वो प्रेशर से करना है, तो प्रेशर से करने के लिए इसकी में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसलिए इसकी जो वॉल होती है, जो ट्यूनिका मीडिया है ना, ट्यूनिका मीडिया, इंटीमा, एडवेंटिशिया, एडवेंटिशिया बाहर वाली लेयर को बोलते हैं, फिर मीडिया बोलते हैं, फिर इंटाइमा बोलते हैं। तो इसकी जो बीच वाली लेयर है ना ट्यूनिका मीडिया, तो वो जो है काफ़ी थिक होती है, जिससे प्रेशर से आर्टरी ब्लड को पंप करती है। और यूजली क्या आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी, उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऐसे वेन्स जो होती हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन एंड दिस अम्बिलिकल वेन। अपर लिम और लोअर लिम के लिए जो टर्म यूज होती हैं उनमें से काफ़ी सारी तो सिमिलर हैं जो ट्रंक में यूज होती हैं, और कुछ थोड़ी सी डिफरेंट हैं। तो जैसे आता है वेंट्रल और एंटीरियर, तो वेंट्रल और एंटीरियर वही है जैसे कि आपका फ्रंट को हम वेंट्रल फ्रंट ऑफ हैंड को और फ्रंट ऑफ लेग्स को, मतलब अपर लिम फ्रंट ऑफ अपर लिम पूरा अपर लिम ये, और ऐसे ही फ्रंट ऑफ लोअर लिम पूरा जो है वो आपका एंटीरियर सरफेस या फिर आपकी वेंट्रल सरफेस कहलाएगा, ओके। और जो बैक है आपका, चाहे वो ये वाला बैक मतलब लिम का बैक हो अपर लिम का, चाहे लोअर लिम का बैक हो, वो पोस्टीरियर या फिर डॉर्सल कहलाएगा, सेम एज यूज इन ट्रंक, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर एस्पेक्ट, ये थोड़ा सा अपर लिम लोअर लिम में डिफरेंट है, ये आपको स्पेशली याद करना है। और मीडियल बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर, ये अपर लिम और लोअर लिम दोनों में डिफरेंट है, तो ये स्पेशली आपको याद रखना है, ठीक है। तो वेंट्रल और डॉर्सल हमने डिस्कस कर लिया, फिर हम पहले डिस्कस करते हैं, हम इस पर हम आएंगे जो डिफरेंस है, इससे पहले हम कॉमन चीज़ें देख लेते हैं। प्रॉक्सिमल और डिस्टल, प्रॉक्सिमल होता है या तो आप कह दो नियर टू ट्रंक इज प्रॉक्सिमल, जैसे ये वाला हिस्सा हो गया प्रॉक्सिमल, जो दूर है अवे फ्रॉम द बॉडी अवे फ्रॉम द ट्रंक हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं डिस्टल है। ऐसे ही पैरों में जो थाइस के एरिया है, थाइस जैसे प्रॉक्सिमल होगी, ऊपर जो पार्ट है थाइस का भी वो प्रॉक्सिमल हो गया, फुट आपका डिस्टल जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम किसी भी एरिया को या किसी भी जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे प्रॉक्सिमल और डिस्टल। वैसे इसके लिए बेटर वर्ड होता है क्लोज टू रूट ऑफ द लिम। तो जैसे ये वाली जो लिम है, जिस लिम के लिए ये रूट है अपर लिम के लिए, लोअर लिम के लिए ये रूट है। तो अपर लिम में प्रॉक्सिमल एरिया ये होगा, डिस्टल एरिया ये जितना भी होगा डिस्टल होगा। आप कंपेयर, एक्चुअली प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो है एक दूसरे की कंपैरेटिव टर्म है। जैसे इस वाले एरिया को आप प्रॉक्सिमल बोलोगे, इसको डिस्टल बोलोगे, आपस में कंपेयर कर रहे हो, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये प्रॉक्सिमल हो गया, डिस्टल हो गया, ठीक है। तो मतलब जो एरिया नियर टू द रूट है, ये रूट ऑफ द अपर लिम है, वो आपका प्रॉक्सिमल हो गया, जो अवे फ्रॉम दैट है फ्रॉम द रूट है वो डिस्टल हो गया। लोअर लिम में ये रूट है, ऊपर वाली जो एरिया ना ये वाला रूट है, तो ये प्रॉक्सिमल है और ये डिस्टल है, फाइन। अब आता है अगला आपका फ्लेक्सर एस्पेक्ट, ये इंपॉर्टेंट याद रखने की चीज़ है कि जो फ्लेक्सर है, देखो अभी हम मूवमेंट्स पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है कि फ्लेक्शन का मतलब होता है दोनों के बीच में जो एंगल है ये कम हो रहा है, ये फ्लेक्शन है हाथ का, और ये एक्सटेंशन है, ठीक है, ये फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन है।
तो जो फ्लेक्सर एस्पेक्ट है अपर लिम में, वो फ्रंट है अपर लिम का, ये पूरा का पूरा फ्लेक्सर एस्पेक्ट कहलाता है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। इसमें आप मसल्स पढ़ेंगे कि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में कौन कौन सी मसल्स होती हैं। अब इसके अपोजिट जो है ये एक्सटेंशन है, जो ये मूवमेंट है ये वाली, ये दिस वन, ये एक्सटेंशन मूवमेंट है। तो जो बैक ऑफ अपर लिम है वो हमारा एक्सटेंसर कहलाता है। लेकिन अब पैर में अगर आप देखोगे, पैर का जो फ्लेक्शन है वो आगे नहीं होता, ऐसे नहीं होता जैसे हैंड में हो रहा है, पैर का फ्लेक्शन पीछे हो रहा है, समझ रहे हो? ये पैर का जो फ्लेक्शन है, क्योंकि नी पे फ्लेक्शन होता है, तो जो पैर का फ्लेक्शन है, पैर को आप ऐसे तो मोड़ते हो पीछे, तो यानी कि इसमें जो फ्लेक्शर कंपार्टमेंट है वो बैक ऑफ थाई एंड बैक ऑफ लेग्स है। याद रखने की चीज़ें, अपोजिट है ये, अपर लिम का अपोजिट है लोअर लिम में फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। और जो एक्सटेंसर है, फ्रंट ऑफ थाई एंड फ्रंट ऑफ लेग को हम एक्सटेंसर बोलते हैं इन केस ऑफ लोअर लिम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और ये आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में ये वाइवा वगैरह में पूछा जाता है, और आप जब मसल्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी कि लोअर लिम में जो फ्लेक्सर एस्पेक्ट की मसल्स हैं वो बैक ऑफ थाई एंड बैक ऑफ लोअर लिम की मसल है, और जो एक्सटेंसर एस्पेक्ट है लोअर लिम में वो फ्रंट है। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है अपर लिम और लोअर लिम में याद रखने के लिए। फिर है मीडियल बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर। वैसे तो सिंपल है, पर अगर आप डेफिनेशन वाइज देखो तो थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आता है। देखो, जो मीडियल बॉर्डर है वो ये मीडियल बॉर्डर है आपका अपर लिम का, तो यानी कि इसे कहते हैं मीडियल बॉर्डर ऑफ आर्म। ये हमारी फोर आर्म, ये आर्म है, ये फोर आर्म है, मीडियल बॉर्डर ऑफ आर्म, मीडियल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म, और ये आपकी लिटिल फिंगर है, तो टूवर्ड्स द लिटिल फिंगर है, अलॉन्ग द लिटिल फिंगर जो है ये मीडियल बॉर्डर है, अलॉन्ग द लिटिल फिंगर। लेकिन अगर आप लोअर लिम में देखो तो जो मीडियल है, यानी मीडियल क्या है, टूवर्ड्स द मीडियन प्लेन, अगर आप मीडियन में देखोगे तो ये वाली चीज जो है ये मीडियल है, अगर लोअर लिम में देखो तो, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये बिग टो है, तो यानी कि यहाँ पे टूवर्ड्स द बिग टो आपका मीडियल बॉर्डर होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसे सिंपल है इसको समझना। तो टूवर्ड्स बिग टो आपका मीडियल बॉर्डर होता है, एंड टूवर्ड्स लिटिल टो ये आपका, ये पूरा का पूरा यहाँ पर आता है लैटरल बॉर्डर। तो लैटरल बॉर्डर ऑफ थाई, लैटरल बॉर्डर ऑफ लेग्स, एंड टूवर्ड्स द लिटिल टो, दिस इज लैटरल बॉर्डर ऑफ द लोअर लिम। और यहाँ पे जो लैटरल बॉर्डर है ये कौन सा हो गया, दिस वन, यानी कि टूवर्ड्स द दिस थंब। ओके, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि मीडियल बॉर्डर जो है अपर लिम में लाइज अलोंग द लिटिल फिंगर, मीडियल बॉर्डर लोअर लिम में लाइज अलोंग द बिग टो। और बिग टो को हम हॉलक्स भी कहते हैं, इसके नाम पे कई सारे टर्म आगे यूज होंगी, तो इसको याद रख सकते हो आप, हॉलक्स कहते हैं इसको। कुछ टर्म और होती हैं, रेडियल और अल्नर, जैसे आप बोलोगे कहीं पे आएंगे टर्म्स, रेडियल बॉर्डर टूवर्ड्स अल्नर बॉर्डर है ये, है ना? तो क्योंकि आर्टरी है, रेडियल आर्टरी इधर से जाती है, अल्नर आर्टरी मीडियली जाती है, इसलिए इस बॉर्डर को, ये जो पूरा बॉर्डर है इसको हम बोलते हैं रेडियल बॉर्डर, जो आउटर एस्पेक्ट में है, दिस इज रेडियल बॉर्डर, रेडियल मतलब इसको हम रेडियल टर्म बोलते हैं, और इसको हम मीडियल साइड को हम बोलते हैं अल्नर टर्म। और ऐसे ही लोअर लिम में जो टर्म है वो है टिबियल एंड फिबुलर। तो वहाँ पे क्या है, टिबिया आपकी बीच में बोन होती है मोटी, और फिबुला बोन जो है लैटरल बोन होती है, यहाँ पे लैटरल साइड में फिबुला बोन होती है, पतली बोन होती है, इसलिए हम जो मीडियल एस्पेक्ट है ना लोअर लिम में उसको हम टिबियल बोन, टिबियल बोल देते हैं, और जो लैटरल एस्पेक्ट है उसमें हम उसको जो है हम आपका फिबुलर बोल देते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि अपर लिम और लोअर लिम में यूज होती हैं। बाकी जो टर्म्स हैं जैसे डॉर्सल एस्पेक्ट और पामर एस्पेक्ट, प्रॉक्सिमल डिस्टल, ये सारे काफ़ी सारे सेम हैं। पामर एस्पेक्ट को देख सकते हो आप, पामर एस्पेक्ट आप कैसे बोलते हो, ये पामर एस्पेक्ट है क्योंकि ये पाम ऑफ हैंड है, इसलिए इसका नाम पामर एस्पेक्ट है। तो पामर एस्पेक्ट ये वाला हुआ आपका, फ्रंट ऑफ पाम इज पामर एस्पेक्ट, और जो बैक है ये डॉर्सल हो गया, डॉर्सल ऑफ आर्म, ठीक है, डॉर्सल ऑफ दिस हैंड बोलेंगे, सॉरी डॉर्सल ऑफ हैंड, और ये पाम एरिया ऑफ द हैंड है। अब फुट में क्या होता है, यहाँ पर भी देखो हम यूजली जैसे रहते हैं तो ये पामर एरिया सामने होता है, लेकिन अगर फुट में देखोगे तो जो फुट है ये वाला जो हिस्सा है ये डॉर्सल है। यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होता है जब रिफ्लेक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि आप कौन से एस्पेक्ट को पे टैप कर रहे हो, रिफ्लेक्सेस में आप एक हैमर से इसमें टैप करते हो तो रिफ्लेक्स आते हैं, आप आगे पढ़ेंगे उसमें। ये जो ऊपर वाला एरिया, ये वाला, ये आपका डॉर्सम ऑफ फुट है, ऊपर जो एरिया है वो डॉर्सम है, ठीक है, और जो आपका सोल एरिया है वो प्लांटर है। तो जो सोल एरिया है, यहाँ जो सोल एरिया आएगा ये आपका प्लांटर एस्पेक्ट आता है,
ये ध्यान रखने की चीज है कि सोल वाला एरिया प्लांटर है और ऊपर वाला एरिया डॉर्सम है, ये वाला एरिया पामर एस्पेक्ट है, ये वाला एरिया डॉर्सल एस्पेक्ट है।